या फिर हमारा चॉइस अनपढ़ गंवारों और जाहिलों की तरह है, तो सफलता का जो कंडीशन होता है ना, सफलता का कंडीशन। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। मुझे ना अनडिसिप्लिन लोग पसंद ही नहीं। अरे अनडिसिप्लिन लोग से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। अरे मैं तो अनडिसिप्लिन लोगों से पक चुका रहता हूँ यार, मुझे उन अनडिसिप्लिन लोगों में यार शामिल मत करो। ऐसा थॉट अब बार बार सुनने को मिलता है हमारे सोसाइटी में, और ऐसा थॉट अक्सर कामयाब लोग ही देते हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात को आज इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका एक छोटा सा डिसिप्लिन आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकती है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये मैं आपको ना आज मैं दौड़ा देने वाला हूँ, आज तो पूरा दौड़ा दूंगा। आपका एक छोटा सा डिसिप्लिन आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी दे सकती है। समझते हैं, फ्लाइट के माध्यम से जब फ्लाइट उड़ती है ना, एयरपोर्ट से जब टेक ऑफ करती है, जब टेक ऑफ करती है ना, तो अपने रडार पे फिक्स रहती है जहाँ पे उसको जाना है। अगर अपने अनडिसिप्लिन थोड़ा सा भी हुआ, अपने रडार से एक डिग्री भी अगर भटका, तो किसी दूसरे आयरलैंड पे जा करके लैंड करेगी। तो हमारे लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। जिसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, लेजी पड़ा रहेगा, कर्राते रहेगा, दर्द से अपने आप को सहलाते रहेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं। मैं बहुत कड़वा आदमी हूँ भाई, मैं कड़वा शब्द ही बोलूँगा। आपको समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्योंकि मेरा शब्द कुछ ऐसा नहीं होता है कि रॉकेट साइंस को उत्तर ऊपर से चाहे, मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं रियलिटी समझाता हूँ। तो अगर सफलता आपको पाना है ना, तो डिसिप्लिन आपको बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन किस तरीके से बिल्ड करें, डिसिप्लिन चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपका चॉइस बुक पढ़ने का है, आपका डिसिप्लिन भी बुक पढ़ने वाला बन जाएगा। अगर आपका चॉइस मूवीज़ देखने का है, शोज़ देखने का है, आपका कोई फेवरेट शो कहीं मिस ना कर जाए, यार आज 8 बजे आने वाला है, मिस ना कर जाए, तो आपका डिसिप्लिन भी वहीं बनता चला जाएगा। तो पहले अपने माइंडसेट को, अपने चॉइस को चेंज कीजिए। जब आप अपने चॉइस को चेंज करेंगे ना, तो आप डिसिप्लिन बदलते चले जाएंगे। आप ऐसे खड़ा होना चाहते हैं या आप ऐसे खड़ा होना चाहते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस किस तरीका से। अगर आपकी चॉइस ऐसे खड़ा होना है ना, तो आपका डिसिप्लिन भी ऐसा ही बनेगा। और आपका चॉइस अगर ऐसे खड़ा होना है ना, तो आपके डिसिप्लिन भी ऐसा ही बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। पहले अपने चॉइस को चूज कीजिए कि हमारा चॉइस को ज़रा देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्या हमारा चॉइस उस तरीका का है जिस तरीका का बड़े लोग और सफल लोगों का होता है। अगर नहीं है ना, तो फिर चॉइस को चेंज करो भाई, क्योंकि चॉइस को चेंज किए बगैर तुम डिसिप्लिन अपने लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते। अगर फ्लाइट जो है चलते चलते अपने पंखों को ऐसे ऐसे करने लग जाए, तो उड़ पाएगा क्या? एक मेमेज देखे होंगे आप लोग, जो ऐसे 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 करते 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 चलता है फ्लाइट, तो उड़ पाएगा क्या? नहीं, वो अपने रडार से भटकना तो छोड़ो, गिर जाएगा भाई। तो फ्लाइट उड़ने के लिए उसको डिसिप्लिन का होना, ऐसे होना और ऐसे उन्हें उड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ना, हर चीज़ को अपने चॉइस पे डिपेंड करे। अगर फ्लाइट का चॉइस हो जाए कि मैं ऐसे ऐसे उड़ूंगा, ऐसे उड़ ही नहीं पाएगा भाई, क्योंकि उसका कंडीशन उस तरीका का नहीं है। तो सफलता का जो कंडीशन होता है ना, सफलता का कंडीशन, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो धागा की तरह बांधे हुआ रहता है डिसिप्लिन, क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन नहीं हुआ ना, तो आप सफल हो ही नहीं सकते। अगर फ्लाइट अगर ऐसे ऐसे करे तो उड़ सकता है क्या? नहीं ना। तो उसी तरह से अगर सफलता के लिए डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप सफल हो ही नहीं सकते। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन आपको मिलती है चॉइस से। आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप के अंदर ऑब्जर्व करो कि हमारे चॉइस किस तरीका का है। क्या हमारा चॉइस उस तरीका का है जो सफल व्यक्ति की तरह है? क्या हमारा चॉइस उस तरीका का है जो सफल व्यक्ति चूज करता है? या फिर हमारा चॉइस अनपढ़ गंवारों और जाहिलों की तरह है? तो मूवी देखना है, ठीक है भाई, मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन एक हद तक तीन घंटे आप मूवी में बेकार करते हो। यानी कि अब मल्टीपल कर लो, कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए, आपके हाथ में कैलकुलेटर है, मोबाइल है, इस वीडियो को स्किप करके अभी मल्टीपल करके बताओ कितना मिनट हुआ, कितने सेकंड हुए। 3 घंटे आप मूवी में बर्बाद करते हो, सीखते क्या हो? लव लव लव, मार मार मार, यही सब सीखते हो, दूसरा कुछ नहीं। तो जब वो सब सीखोगे तो वही सब पाओगे अपने लाइफ में। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, हो गया होगा, क्योंकि मैं रियलिस्टिक बातें करता हूँ और इतना कुछ ओवर भी नहीं समझा पाता हूँ जो आपको समझ में ना आए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।